हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा और ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर यकीन मानिए, एक बार आपने बना लिया तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे 700 ग्राम पेठा लिया है जिसे कद्दूकस कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी है। तो अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और पानी को सूखने तक इसे हमें पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पानी को सुखा लेते हैं। तो देखिए पानी सूख चुका है। तो अब इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और चीनी डालने के बाद दोबारा ये पानी छोड़ देगा। तो हमें चीनी में ही पेठे को अच्छे से पकाना है ताकि पेठा गल जाए। तो देख सकते हैं कितना ये गीला हो गया है पहले से। और अब इसमें 2 हरी इलायची को कोट कर हमने पाउडर तैयार कर लिया था वो डाल देते हैं और साथ में ही थोड़े से केसर के धागे लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है हलवे का। तो थोड़ा सा हमने केसर के धागे डाल दिए और अब इसे हमें पकाना है जब तक कि चीनी गाढ़ी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं चीनी पहले से गाढ़ी हो गई है और कितना अच्छा कलर आ गया है केसर की वजह से। और अब इसमें एक छोटा कटोरी मावा डाल देते हैं। इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर वहां से देख सकते हैं। और अब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बादाम और पिस्ता लिया है और काजू को बीच से हमने बस 2 हिस्से में काट लिया है। और अब इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। अच्छे से मावे को हमने मिक्स कर लिया पेठे के हलवे में और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और अब अच्छे से पका लेंगे जब तक कि हलवा तला ना छोड़ दे। तो बहुत टेस्टी ये हलवा बनता है, एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर एक बार आपने बना लिया तो बार बार इसी हलवे का डिमांड आएगा बनाने के लिए। तो देख सकते हैं तला छोड़ रहा है हलवा। तो हलवा तैयार है, अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। तो देख सकते हैं कितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में तो ज़बरदस्त था। तो अब हम इसे थोड़े पिस्ते और काजू से और बादाम से सजा लेते हैं। तो आप भी इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।